बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं पाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके लिए हमें चाहिए एक बड़ा पाया, और इसके साथ मैंने एक बड़ा प्याज लिया है जिसको मैंने स्लाइस में काट लिया है, एक टमाटर लिया है बड़ा, हाफ कप मैंने घी ऐड किया है इसमें, और मसालों में मैंने हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक, आप इसको टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा जिसको मैंने भून के कूट लिया है, 2 बड़ी इलायची और दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा। इसके अलावा साथ मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी लिया है, धनिया नींबू और हरी मिर्च भी इसमें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेशर कुकर में हाफ कप घी ऐड करें। मैं इसे प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। इसके बाद इसमें एक बड़ा स्लाइस किया हुआ प्याज भी ऐड कर दें। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएं। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करें। प्याज ब्राउन हो चुके हैं, अब मैं इसमें पाए ऐड करूंगी। ये मैंने पाए इसमें ऐड कर दिए हैं, इसको थोड़ा सा हिला लें। 10 मिनट तक इसको घी में इस तरह ही हम भूनेंगे। अब इसमें टमाटर ऐड कर दें, साथ ही हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च, नमक, दालचीनी और बड़ी इलायची भी ऐड कर दें। थोड़ी देर इसको हम भूनेंगे। मसाले को हम भूनेंगे थोड़ी देर। अब इसमें पानी ऐड कर दें, पानी इतना ऐड करना है कि पाए आपके डूब जाएं इसमें। इसके बाद मैंने प्रेशर कुकर को बंद कर दिया है। अब मैं इसको 40 मिनट्स तक पकाऊंगी। ये पाए हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इसमें मैं 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करूंगी। साथ ही 1 टीस्पून गरम मसाला, हरी मिर्चें भी साथ ऐड कर दें। मैंने रोगन तैयार किया था, वो भी मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है। रोगन बनाने के लिए मैंने एक पैन में 2 चम्मच मैंने घी लिया था, और उसमें हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च को मैंने ऐड करके चूल्हा बंद कर दिया था। धनिया और हरी मिर्च से इसको गार्निश कर लें। लीजिए मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल हमारे पाए रेडी हैं। आप इसको नान के साथ या रोटी, चपाती, जिसके साथ आप चाहें आप इसको
खा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए।